press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों ओल्ड सिंह पर YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं मैं हूँ चेतारा दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दुनिया का सबसे छोटा एल ई टीवी है इसकी इनबॉक्सिंग करेंगे तो दोस्तों इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा तभी आपको पूरी प्रॉपर जानकारी आपको मिल पाएगी चलिए दोस्तों हम इस पैकेट से आपको इसमें काट के दिखा रहे हैं निकाल के दिखा रहे हैं कि किस तरह का ये आपको एल ई है बिल्कुल छोटा पैकिंग बहुत अच्छी आती है दोस्तों कहीं टूट नहीं जाए फूट नहीं जाए इसलिए बहुत अच्छी पैकिंग में इसको दिया है अंदर थर्माकोल लगा हुआ था इसलिए चिपक रहा था ये देखिए दोस्तों यह है छोटा टीवी हम इसे पैकेट में से बाहर निकालेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके का छोटा सबसे छोटा टीवी है सबसे पहले मैं आपको ये बॉक्स दिखा दूँ चारों तरफ से आप इस बॉक्स पे देख सकते हो कौन कौन सी साइज़ है इसकी और किस तरह का ये टीवी है ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छे पैकेट में ये आया है और यहाँ से आप ये देख सकते हो इसके सीरियल नंबर वगैरह कि कहाँ से ये हमने परचेज किया है और कौन सी जगह का ये ब्रांडेड है और किस तरह से आपको दोस्तों इसमें दीवार में भी लगा सकते हैं टेबल पे भी रख सकते हैं और और कितने इंच का ये एलईडी टीवी है दोस्तों चलिए दोस्तों निकालते हैं और आपको दिखाते हैं ये है दोस्तों सबसे छोटा एलईडी टीवी और दोस्तों इस पैकेट में आपको बताएंगे कि क्या क्या सामान आपको यहाँ मिला है दोस्तों ये इसके साथ एडोप्टर वाली केबिल है अभी से देखेंगे कि ये केबल कहाँ लगेगी अभी तो हमें ये सामान यहाँ से इस टीवी के साथ मिला है और क्या क्या मिला है वो हम आपको सारी डिटेल से दिखा रहे हैं दोस्तों ये देखिए दोस्तों ये केबिल इसके साथ फिक्स है और इसे हम कैसे सेटअप करेंगे ये भी हमें देखना पड़ेगा इसे कैसे चलाया जाता है इसमें कौन से बटन है या नहीं है कैसे चलेगा कितने वोल्ट का इसमें अडोप्टर लगेगा ये दोस्तों इसकी मीनू बुक है इस मीनू बुक में दोस्तों आप इस टाइप से इसे दीवार में लगा सकते हो इस तरह के इसमें मॉडल आते हैं बहुत अच्छा टी है दोस्तों इस टी से आप कुछ भी बना सकते हो और इसका ये मैनुअल है पूरा इसमें डिटेल है दोस्तों और हम भी आपको वीडियो बना बना के बताएंगे कि इस छोटे टीवी से आप क्या क्या इसे उपयोग में ले सकते हो इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा क्या नुकसान रहेगा क्योंकि दोस्तों इस टीवी को आप कहीं कैसे भी यूज कर सकते हो ये दोस्तों इसकी जो टैप वाली सीट है जो चिपकाने की अगर आप दीवार पर चिपकाओ तो इस पर दोनों साइड की टैप है इससे चिपक जाता, जाता है फरश पर भी चिपक जाता है ये है दोस्तों वो टीवी जिसकी अपन बात कर रहे थे बिल्कुल छोटा बिल्कुल साफ़ सुथरा ब्लैक कलर का ये टीवी है दोस्तों और दोस्तों ये केवल इसके साथ अटैच है अब हमें देखना ये है कि दोस्तों ये कैसे चलेगा और किसे कैसे चलाते हैं सबसे पहले दोस्तों मैं इसको टीवी को आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ ये देखिए दोस्तों यहाँ से ये ओपन होगा और इस तरह का है ये दोस्तों इसमें जो ग्लास लगा जो हुआ है ऊपर से जो उभरा हुआ है जो लेमिनेसन हो क्या था वो है और इस तरह का दोस्तों ये टीवी है फोल्डिंग सिस्टम है इसे आप फोल्ड कर सकते हो इस तरह से ये ऊपर एक प्रेस वाला बटन है जो आप देख रहे हो इससे मैं आपको वापस प्रेस करके दिखाऊंगा इससे वापस ये आवाज़ का हो सकता है इसमें इस्पीकर लगा हो लेकिन चलेगा तभी पता चलेगा दोस्तों ये कैसा चलता है और किस तरह से इसे चलाया जाता है इसमें आवाज़ आती है या नहीं आती इसमें कौन से बटन से ये यूज होगा इसके लिए दो दोस्तों हम वीडियो बना रहे हैं कि ये देखिए दोस्तों ये प्रेस वाला बटन है इस बटन से आप इसे ओपन कर सकते हो और इस तरह से इसकी फोल्डिंग सिस्टम है आप ये देखिए दोस्तों ऊपर इसके गिलास पे लैमिनेशन लगा हुआ है ताकि इसके स्क्रैच नहीं आए बहुत अच्छा है तो इसे आप निकाल भी सकते हो अगर इसे चिपका रहना दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि आपकी डिस्प्ले ख़राब नहीं होगी बिल्कुल छोटा स्मूथ ये एल ई है दोस्तों इसे आप कई तरह से उपयोग में ले सकते हो धीरे धीरे दोस्तों हम आपको इसे ओपन करके दिखाएंगे चालू करके दिखाएंगे कि कैसे इसे यूज किया जाता है और कैसे ये चलेगा ये हमें ये सामान मिला है इसके साथ हमें क्या अडोप्टर लगाना है कौन सा अडोप्टर से चलेगा कैसे ये नहीं चलेगा कौन सी ऑडियो वीडियो कैबिल लगेगी कौन से सेट बॉक्स से चलेगा ये पूरी डिटेल दोस्तों हम अगले वाले जो इसका पार्ट टू आएगा उसमें आप देख सकते हो आज की वीडियो में दोस्तों हमें ये पैकेट मिला है इसकी हमने इनबॉक्सिंग करके आपको दिखा दी कि किस तरह का आपको यहाँ कौन कौन सा सामान उपलब्ध और इस एल ई के साथ में आपको मिला है तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे अगर दोस्तों आपको इस वीडियो